A coin is biased so that head comes up thrice as likely as tail. देखो head plus tail कितना होता है, 1 होता है, ठीक है. हेड जो है, अगर टेल x टाइम्स आ रहा है तो हेड 3x आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4. यानी कि टेल के आने की प्रॉबर्टी कितनी है, 1/4, और हेड के आने की प्रॉबर्टी कितनी है, 3/4. A coin is biased so that head comes up thrice as likely as tail. For three independent tosses of coin, तीन tosses हैं, what is the probability of getting at most two head? तो at most two head का मतलब है दो head आ जाएं, ज़्यादा चाहे दो head आ जाए ना, ठीक है. तो ऐसे कर ले, one minus all head, तो one minus head, तो at most two head, ज़्यादा चाहे दो head आए, तो one minus head के आने की probability 3/4, 3/4. तो 4 × 16 × 64 27 अपॉन 64. 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, तो 37/64 ही आंसर होगा. मैं इसके ना ऑप्शंस लिखना भूल गया था, तो आंसर देख लेना, ठीक है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. If A and B are mutually exclusive, अगर exclusive event हैं तो इसका मतलब क्या होता है, A intersection B क्या होता है, phi होता है, ठीक है. इसका मतलब A intersection B की जो probability वो कितनी होगी, 0. इसका मतलब ये हुआ कि P A union B किसके इक्वल होगा, P A plus P B के इक्वल. इसका मतलब A union B तो कितना, mutually exclusive events, then that it is इट इज़ पॉसिबल दैट पी ए प्लस पी बी 0.6. देखना, अगर मैं इसे 0.6 रखता हूँ और इसे 0.6 रखता हूँ, 1.2 आ गया, तो किसी की प्रॉबर्टी 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. पी ए ऑब्लिक बी इज 1, पी ए ऑब्लिक बी से मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, कंडीशनल प्रॉबर्टी, ठीक है. ये कितना दे रखा है उन्होंने, 1. ये 1 कब होगा, जब पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी बराबर होगा, है ना. इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बी हो गया और ए, है ना, नहीं, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ कि ए बाहर रख लेते हैं, बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी यही आएगा और पी बी भी यही आएगा, है ना, यही केस बनेगा. अब देखते हैं इस वाले को, पी बी नॉट ऑब्लिक ए नॉट. इसका मतलब क्या हुआ, पी बी नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट अपॉन पी ए नॉट. इसमें अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो बी यूनियन ए का नॉट हो गया, है ना. अब देखो अगर बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, ठीक, इसी केस में देखते हैं, तो बी यूनियन ए नॉट जो होगा तो बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा, ए के बाहर वाला, ठीक है. क्या ए के बाहर वाला हिस्सा पी ए नॉट के बराबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 होना नहीं है अभी, बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. तो ओनली सेकेंड वाला जो है वो